हम लोग वेद की कल्याणी वाणी का पाठ करते हुए ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये वेद किसकी रचना है? अरे बोलो, महर्षि दयानंद जी की है या नहीं है? हाथ खड़ा करके बोलो, वेद महर्षि दयानंद ने रचे हैं। हा, तुम ऐसे ही हाथ खड़ा कर देते हो? महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं? महर्षि दयानंद जी कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य का अर्थ है जिसकी सत्ता सदा रहती है। और महर्षि दयानंद जी का शरीर तो काल के बंधन में बंधा हुआ था। अरे बोलो, बंधा हुआ था कि नहीं? ये वेद श्री राम ने पढ़े थे या नहीं? तो महर्षि दयानंद की रचयिता के नाम पर हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? देखो, सारे शास्त्रों में जहां से चलकर के विद्या आई, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने जो बड़े बड़े विद्या वृक्षों का निर्माण किया, उन विद्या वृक्षों का जो आदि मूल है, जहां से चलकर के यह ज्ञान आया, वो है ईश्वर की कल्याणी वाणी वेद। अरे बोलो, क्या है जी? वेद है। वेद को सत्य विद्या कहा है। यहां पर यह देखना पड़ेगा कि सत्य शब्द का अर्थ क्या है। सत्य शब्द का अर्थ है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो एक रस रहता है, जिसमें घटती भी नहीं होती और बढ़ती भी नहीं होती। अच्छा, जरा बताओ तो सही, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, आप जब छोटी छोटी थी और रोटी बनाती थी तो गोल गोल बनती थी कि त्रिकोण चौकोन? अरे बोल दो, त्रिकोण चौकोन। और अभ्यास बढ़ते बढ़ते, अभ्यास बढ़ते बढ़ते अब आप गोल गोल बढ़िया रोटियों को निर्मित करती हैं। हम सब जगह यही चीजें देखते हैं। तो भगवान जी ने जब पहली बार दुनिया को बनाया होगा तो क्या इतना बढ़िया बना लिया होगा? अरे बोलो, धीरे धीरे विकास हुआ होगा कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? हां, खड़ा हाथ खड़ा करके बोलो। अब घबराने लगे हो? ध्यान देना, जो सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है, उसकी कला में, उसके ज्ञान विज्ञान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसके ज्ञान में, उसकी रचना में, उसकी कला में पूर्णता होती है। यही तो हम संध्या में बोलते हैं, यथा पूर्वम कल्पयत। सर्वज्ञ परमात्मा का ज्ञान सूर्य चंद्रमा आदि रचना जैसे पहले थी, अरे जैसे अब है, और बोलो जैसे आगे रहेगी, वो एक रस है। इस आधार पर परमात्मा की विद्या एक रस होने के बाद, रस तो जानते हो ना, रस माने स्वाद, और एक माने एक सा, जिसके स्वाद में घटती नहीं होती, बढ़ती नहीं होती, उसे कहते एक रस। और शास्त्रों में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वे अल्पज्ञों की रचना है, मनुष्यों की रचना है,
और ऋषि लोगों के वाक्य में भी परिवर्तन हो सकता है। यद्यपि ऋषियों के सारे वाक्य वेद के अनुसार ही होते हैं, लेकिन वहां पर परिवर्तन संभव है। एक उदाहरण दूंगा मैं। आप किसी ऋषि से पूछो कि हम विवाह कब करें, तो ऋषि कहेंगे अगर विवाह करने की जल्दी हो, जिसे उन्होंने निकृष्ट विवाह नाम दिया, तो कन्या 16 साल की अवस्था से पहले ना करे। और अगर बालक को विवाह करने की जल्दी हो, तो 24 वर्ष की आयु से पहले ना करे। अरे बोलो, 24 की 25 या 23 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। पर वेद से पूछो, वेद से पूछो कि विवाह कब करें, तो वेद कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम। बोले जिस समय कन्या ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर ले। देखो ये एक रस है, सत्य है, और केवल भारत के लिए नहीं है, सारे भूमंडल के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे लोक लोकांतरों के लिए है। जो सार्वत्रिक है, सार्वकालिक है, वो है सत्य है। तो क्या कहा, अगर कन्या ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर ले। अच्छे बताओ, 5 साल की बच्ची ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेती है क्या? ब्रह्मचर्य माने ईश्वर का चिंतन करने वाला मनुष्य है। ब्रह्मचर्य माने ज्ञान विज्ञान में परिपूर्ण मनुष्य है। ब्रह्मचर्य माने शरीर की मुख्य धातु, उसे संयम से विचार अग्नि का ईंधन बनाने वाला मनुष्य है। ऐसी बेटी जब ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर ले, तो ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके युवा पति को प्राप्त करे। वेद ने कहा बालक से विवाह मत कर बैठना, बालक गृहस्थ यज्ञ में लगने वाली समिधा नहीं है, क्योंकि बालक तो कच्ची समिधा है। बूढ़े से भी विवाह मत करना, क्योंकि बूढ़ा भी घुनी हुई समिधा है। युवानं विन्दते पतिम, युवा से करो। इसका अर्थ है कि कन्या भी युवती हो और वर भी युवक हो। युवा शब्द का अर्थ है जो मिश्रण अमिश्रण करे, जैसे लेखराम, जैसे स्वामी श्रद्धानंद, जैसे स्वामी दर्शनानंद, जैसे महर्षि दयानंद, जैसे कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि। ये लोग हैं समाज को अविद्या से तोड़ते थे, तो विद्या से बोलो जोड़ते थे। ये न्याय से जोड़ते थे, तो अन्याय से तोड़ते थे। ये भाव से जोड़ते थे, तो अभाव से तोड़ते थे। ये आलस्य प्रमाद से तोड़ते थे, तो पुरुषार्थ से जोड़ते थे। ये जो जोड़ तोड़ का काम करने वाले हैं, जो असत्य से जोड़े सत्य से जोड़े, असत्य से तोड़े, अरे जो नाश करे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना नाश करने के लिए की है। अरे बोलो, क्या करने के लिए की है? आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन मानता है? महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना नाश करने के लिए की है, कौन कौन मानता? हाथ खड़ा करो। हाँ, देखो नियम पढ़ रखा है। महर्षि दयानंद कहते हैं ना 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 ना, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, ये नहीं चलेगा। बोले मैं समझौता नहीं करूंगा। समझौता माने विचार में परिवर्तन या विचार में झुकाव लाना, मैं ये नहीं करूंगा।
अविद्या का नाश करो और विद्या की वृद्धि करो। ये क्या है? यह है युवा। यास्काचार्य लिखते हैं, जो कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, कर्मों की झड़ियां लगा दे, अरे बोलो उसका नाम क्या है? युवा। आर्यों, में आपसे कहना चाहता हूं कि वेद में सत्य विद्या माने अपरिवर्तनीय विद्या है, जिसका एक भी अक्षर इधर से उधर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताओ, वेद के शब्द सीमित हैं या असीमित हैं? अरे बोल दो ना, सीमित वाले हाथ खड़ा करो, सीमित वाले। अच्छा असीमित वाले करो, वेद के शब्द असीमित हैं। देखो दोनों तरफ हो रहे हैं हाथ खड़े। अरे वेद के मंत्रों की संख्या गिनी हुई है कि नहीं? अरे वेद पाठी कह देंगे कि नहीं, पारायण हो गया। देखो अयन शब्द का प्रयोग होता, अयन शब्द, और अयन शब्द का अर्थ है गति। बोलो क्या अर्थ है जी? गति। पर हर गति का नाम अयन नहीं है, केवल उसी गति का नाम अयन है जो गति आर पार होती है। अरे बोलो, जो गति जैसे वायु आपके घरों में आर पार होती है जहां, उसे क्या बोलते हो? वातायन बोलते हो कि नहीं? ऐसे मंत्र पहले से लेकर अंत तक पढ़ने की गति आर पार हो जाए, ऐसी आर पार की गति का नाम क्या है? पारायण। तो ध्यान देना, ये वेद के शब्द तो सीमित हैं, पर जब समाधि में बैठकर उन शब्दों के अर्थों को देखा, आओ पहले ये जाने कि वेद किसे कहते हैं। ये जो कागज हैं जिन पर वेद लिखे हैं, बोलो ये कागज वेद हैं या नहीं? अरे बोल दो ना, वो तो मनुष्य की रचना है। अच्छा, जिस कलम से, जिस स्याही से लिपिबद्ध किए गए वेद के मंत्र, क्या वो कागज स्याही वेद है? ना, वो तो मनुष्य की रचना है। ये जो मनुष्य की रचना है ना, उसका नाम वेद नहीं है। वेद तीन वस्तुओं का नाम है, तीन वस्तु, नोट कर लो। कितनी वस्तु जी? तीन। एक का नाम है शब्द। अरे बोलो क्या नाम है? शब्द माने अग्निम ईड़े। ये ऋग्वेद के लिए व्याकरण में एक नियम है, द्वर द्वयोर स्वरयोर मध्यमेत्य डकारह लकारह संपद्यते। ऋग्वेद में अगर कहीं ड अक्षर आ जाए और इधर भी अगर स्वर हो, तो ड को क्या बोलेंगे? ल। पहला मंत्र स्वस्ति वाचन का ऋग्वेद से लिया, क्या बोला? ओम अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ये जो शब्द है ना, ये भगवान की रचना है। शब्दों के अंदर जो अक्षरों की अनुपूर्वी है, जो शब्दों की अनुपूर्वी है, अरे जो वाक्यों का क्रम है, इस क्रम के साथ जो शब्द राशि हम लोगों को मिली है, वो है वेद। अरे बोलो वो क्या है? ऐसा नहीं कर सकते आप कि अग्निमीडे की जगह वन्नीमीडे बोल दो। जो अक्षर, जो क्रम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वो सत्य है, अपरिवर्तनीय है। इस बात को द्योतन करने के लिए आर्य समाज के तृतीय नियम में महर्षि दयानंद बोले, बड़ी स्थिरता के साथ बोले, सारी धरा को गुंजाते हुए बोले। एक महान योगी बोला, क्या बोला? वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और केवल सत्य विद्या नहीं, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
अच्छा वेद में सब विद्या है या नहीं? हां वाले हाथ खड़ा करो। अच्छा कुछ नहीं हो रहे हाथ, तो दूसरा वाक्य बोलता हूं, वेद में सब विद्या नहीं है ऐसा जो मानते हैं वे हाथ खड़ा कर दो। इसका मतलब दूसरे लोग किधर भी नहीं थे। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज महाराष्ट्र के पूना में प्रवचन कर रहे हैं, अपने प्रवचन में एक प्रश्न उठा बैठे, क्या वेद में सब विद्या है? तब ऋषि दयानंद अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने प्रवचन में दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, नहीं वेद में सब विद्या नहीं है। अरे बोलो कौन कह रहे हैं वेद में सब विद्या? बोलो, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं। पढ़ना पूना प्रवचन। उनसे पूछा, आप आर्य समाज के तृतीय नियम में तो लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और यहां पर कह रहे हो कि वेद में सब विद्या नहीं है, यह तो हमें परस्पर विरोधी लगती है वार्ता। तब दयानंद बोले, तब ऋषि दयानंद बोले, ए मेरे वाक्यों को ध्यान लगा के पढ़ा करो सुना करो, मैंने ये कहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, पर उन सत्य विद्याओं के द्वारा विकसित होने वाला जो अनित्य ज्ञान है, उस वेद विद्या से बनने वाले बड़े बड़े विद्या वृक्ष हैं वो मनुष्यों की रचना है। ध्यान देना, जो साध्यंत विद्या है, साध्यंत कला है। क्या बोल दिया जी मैंने? जो साध्यंत माने आदि, माने आरंभ, अंत माने खत्म। देखो कई कलाएं खत्म भी होती हैं, शुरू भी होती हैं। मैंने सुना है कि एक ये पेंट बनाने वाला जो था, उसकी बहुत बड़ी संपत्ति पेंट की चूहों ने कुतर दी। अरे बोलो किसने कुतर दी? और आजकल के युवक जो है ना, उन नायकों को अपना आदर्श नहीं मानते। अरे वो राम प्रसाद बिस्मिल को अपना आदर्श नहीं मानते, वो चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श नहीं मान पा रहे, अच्छे बच्चों को छोड़कर कह रहा हूं। अरे महर्षि दयानंद को अपना आदर्श नहीं मान पा रहे, अरे राम और कृष्ण को अपना आदर्श नहीं मान पा रहे। कुछ नाचने वाले लोग होते हैं, ये आपने वीडियो में देखा होगा, नाचते हैं कुछ लोग। और पहले बड़ी बड़ी वीडियो चलती थी, उसको क्या बोलते थे, फिल्म या चलचित्र, उसमें नाचने और नाचने वाली होते थे, अब भी होते हैं। तो उसने देखा कि मेरी सारी पेंट जो है ना वो चूहे ने खा ली। बोले अब मेरे को तो करोड़ों की हानि हो गई, अरबों की हानि हो गई। बैठ गए बुद्धिमान। अरे डाकू भी बुद्धिमान होते हैं कि नहीं? अरे बोल दो ना, चोर भी बुद्धिमान होते हैं कि नहीं? आपने कभी सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए जो क्रूर लोग निर्बल लोगों के, निर्धन लोगों के सही काम करने के लिए भी पैसे अपहरण करते हैं, बोलो उन क्रूर लोगों को देखा है कि नहीं? उनमें बुद्धि होती है कि नहीं? दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करने के लिए एक मंत्रणा बैठी, और उस मंत्रणा में यह निर्णय हुआ कि भाई ये नाचने वाले लोग हैं ना, अरे समझ गए कि नहीं, नाचने वालों को जैसे शाहरुख खान नाचता है, एक वो सत्यमेव जयते का नाटक करने वाला, क्या धूर्त का नाम है उसका, आमिर खान, और तीसरा भी एक कौन सा है वो, सलमान खान। एक को तो महानायक बोलना शुरू कर दिया, क्या नाम है जी उसका, वो अजमेर जाता है, चद्दर लेके चढ़ाने जाता है, और उसने बहुत सारे हिंदुओं को मारा है उस दुष्ट ने,
उस पर चद्दर चढ़ाने जाता और कहलाता है महानायक। क्या नाम है? अमिताभ बच्चन। ऐसे किसी आदमी को पकड़ा और वो फटी हुई पैंट उन्हें पहना दी। लड़कियों ने भी देखा, लड़कों ने भी देखा, क्योंकि पैंट तो लड़कियों की भी फटी थी, लड़कों की भी, दोनों नाचने नाचने वालियों को पहना दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये तो फैशन है। और मैंने एक लड़के से पूछा, मैं जानता सब था, पर मैंने पूछा भाई किसी गरीब मां बाप के पुत्र हो क्या? बोले अजी क्या कह रहे हो, मैं तो बहुत धनपति का पुत्र हूं। तो मैंने कहा बेटा इसको बदल के आओ, ये तो फटी हुई है, इसमें तो तुम्हारी टांगे भी दिख रही हैं। बोले आप जानते नहीं ये फैशन है। मैंने कहा बुद्धि को कहां रख मारा, अरे इस फैशन के नाम पर तुम ये क्या कर रहे हो। बोले आपको पता नहीं है महंगी मिलती है। मैंने कहा महंगी और वो भी फटी हुई, बोलो क्या कर ले इनका। अब देखो ये फैशन परिवर्तित होते हैं। जो भी परिवर्तन होने वाली बातें हैं ना, वो कुछ काल के लिए सत्य हैं, वो सदा सत्य नहीं है, सदा एक रस नहीं है। पर दयानंद बोले वेद की जो विद्या है वो सदा एक रस है, सदा विद्यमान रहने वाली है, सदा सत्य है। लेकिन मानव की रचना जो है ना, वो जब से जन्म हुआ और जब तक हम प्रचार प्रसार करेंगे तब तक वे पंक्तियां बनी रहेंगी, लेकिन परमात्मा की शब्दावली जिसका नाम है मंत्र माने विचार, वो जैसा इस सृष्टि में है वैसा ही पहले की सृष्टि में भी था, और बोलो वैसा ही आगे की सृष्टि में भी होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अरे किसी भी सृष्टि में कोई कृष्ण आकर गीता का उपदेश सुना देगा? यहां कुरुक्षेत्र में ही तो संभवतः हुआ था जी। मैं इनको आचार्य जी को प्रशांत जी मान रहा हूं, ये वही है, मैं पहली बार दर्शन कर रहा हूं, पर मैंने इनको संचार माध्यम पर देखा है तो मैंने सोचा ये ब्रह्मचारी जी के कभी दर्शन नहीं हुए, आर्य समाज की व्याख्यान वेदी को एक और महात्मा मिल गया है। तो मैं सोचता हूं कि आज ये हमारे महादन यहां बैठे हुए हैं, आप आचार्य प्रशांत जी ही है ना। हाँ मैं कभी कभी संचार माध्यम फेसबुक पर देखता हूं, अगर मैंने कभी दर्शन किए होंगे तो मुझे याद नहीं है। आर्यो मैं आपसे कह रहा हूं, जो वेद वाक्य इस सृष्टि में है वही पहले की सृष्टि में था, और बोलो वही आगे की सृष्टि में रहेगा। अरे कोई दयानंद आके फिर सत्यार्थ प्रकाश बना देगा, अरे कोई कृष्णा के फिर गीता का उपदेश कर देगा। ये पंक्तियां तो परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन जिनमें एक अक्षर का भी परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य है। शब्दो द्विविधः, शब्द दो प्रकार के हैं, नित्य और कार्य। तो नित्य शब्दों का नाम क्या है? वेद। अरे बोलो क्या है? नित्य माने भगवान के ज्ञान में जो शब्द सब दिन बने रहते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है, समझे कि नहीं? और प्रलय में भगवान के ज्ञान में तब भी वो बने रहते हैं। ये इनको हटाओ ब्रह्मचारी जी, मोबाइल को बंद करके हटाओ इनको, आपको दूसरी बार कहना पड़ा है, हटाओ इनको। आर्यो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये कलाएं बदलती हैं, विद्याओं में परिवर्तन होता है। अच्छा आपने अगर अब से 200 वर्ष पुराना मकान देखें तो तब मकानों में ईंटें लगती थी या नहीं? अरे बोलो लगती थी कि नहीं? कितनी बड़ी बड़ी, इतना लंबा हाथ कर रहे हो और पतली बोल रहे हो, ए इतनी लंबी होती होंगी और पतली पतली सी होती होंगी। अच्छा वे जो ईंटें बनती थी वो ईंटों की कला विद्या पूर्वक थी या अविद्या पूर्वक थी? अरे बोल दो ना, विद्या पूर्वक थी। और आज उनमें परिवर्तन आ गया। आज क्या हुई? आज ईंटों की लंबाई इतनी हो गई और चौड़ाई इतनी हो गई, ये भी विद्या पूर्वक है।
देखो ये विद्या तो है पर सत्य विद्या नहीं है, क्योंकि इन विद्या की बातों में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वेद में जो बोल दिया वो किसी काल में परिवर्तन नहीं होता। वेद का विचार, वेद का मंत्र किसी काल के बंधन में बंधने वाला कि किसी परिस्थिति का दास नहीं होता, वो तो सार्वत्रिक सार्वकालिक है। इस बात को द्योतन करने के लिए ऋषि दयानंद ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद की एक वस्तु का नाम मैंने बोला शब्द, अरे बोलो क्या बोला? दूसरी वस्तु जो वेद है वो है अर्थ, अरे बोलो क्या है? अर्थ किसे कहते हैं? शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है उस वस्तु का नाम बोलो क्या है? अर्थ। अच्छा मैं बोलूं, ए बहनों उधर बात क्यों कर रही हो, उनको कहो ना जरा बात ना करें। देखो मैं एक शब्द बोलता हूं, जल, इसका अर्थ बोलो। अरे पानी तो शब्द है, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। जैसे जल शब्द है, अरे जैसे वारी शब्द है, ये तो शब्द हैं। मैं पर्यायवाची नहीं पूछ रहा, उस शब्द से जिस वस्तु का ज्ञान होता है, यथा पदम तथा अर्थ, जैसा पद है वैसा ही पदार्थ होता है। अगर वेद में पद हैं तो इस सारे जगत में क्या है बोलो? पदार्थ है। इन दोनों की रचना करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि कौन है? परमेश्वर है। हाँ, सृष्टि में से पदार्थों को ले लेकर मनुष्य भी अपने विश्वकर्मत्व से नए नए पदार्थों की रचना करता है। जैसे आप गेहूं से रोटी बनाते हो, अरे बोलो बनाते हो कि नहीं? ध्यान देना, एक शब्द एक अर्थ, दो चीजों का नाम वेद है। और किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है, यह संबंध नित्य है या अनित्य है? अरे बोलो, इस जीवन में तो हमने पढ़ा अग्निम ईडे, अग्नि माने परमात्मा पढ़ा, और भी अर्थ है। अगली सृष्टि में अग्नि का अर्थ बदल जाएगा क्या? नहीं, सत्य है, बदलेगा नहीं, नित्य है। तो तीन चीजें का नाम वेद है, शब्द, नंबर दो बोलो, उस शब्द से जो वस्तु जानी जाती है वह वस्तु रूप अर्थ, और जिस शब्द का जिस वस्तु के साथ संबंध है बोलो वो क्या है? शब्दार्थ संबंध। अच्छा ये शब्द के साथ अर्थ का संबंध कौन कौन जान सकते हैं? एक व्यक्ति, आप बहनों जल्दी आओ फटाफट उधर से, और बिना बोले आओ यहां। हाँ बिना बोले आ जाओ, उधर बैठ जाओ। हाँ जी, मैं क्या निवेदन कर रहा हूं आपके सामने, एक मंत्र का अर्थ रखूंगा मैं थोड़ा सा भी, और विद्वत जगत में भी उस मंत्र का गलत अर्थ किया जाता, उसका सत्यार्थ रखने जा रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा? शब्द अर्थ, और शब्द और अर्थ का जो पारस्परिक संबंध है, इन तीन वस्तुओं का नाम बोलो क्या है? वेद। अरे बोलो क्या है? अच्छा किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है इसे कौन जानेगा? एक व्याकरण का सूर्य, अरे क्या कह दिया मैंने? संस्कृत का पंडित, व्याकरण का सूर्य, अरे जिसकी जिह्वा पर सरस वती अर्थात संस्कृत का जिसमें प्रकांड पांडित्य है, ऐसा मनुष्य संस्कृत के वेद के शब्द के अर्थ के साथ संबंध को समझ जाता है या नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? उठा के हाथ बोलो हां वाले, लंबा सा करो। अच्छा कुछ नहीं भी कर रहे हो? जो कहते हैं बड़े से बड़ा पंडित भी एक विशेष योग्यता के बिना
शब्द के अर्थ के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता वो हाथ खड़ा करो। हाँ, आपको बहुत जरूरी है ये प्रवचन, ध्यान देना। ऋषि बोले, क्या बोले? एक मनुष्य के लिए जहां वेदार्थ को समझने के लिए व्याकरण आदि छह वेदांगों का ज्ञान होना आवश्यक है, वहां इन छह वेदांगों के ज्ञान के साथ, व्याकरण आदि वेदांगों के साथ उसका ऋषि होना भी आवश्यक है। अरे बोलो, क्या होना आवश्यक है? और ऋषि कौन होता है? ये देखो बैठे हैं विद्वान लोग यहां। अरे बोलो, ये ऋषि हैं या नहीं? अरे बोल दो ना। ना, ये ऋषि नहीं है, ज्ञानी होने से ऋषि नहीं। केवल ध्यान देना, यास्काचार्य से पूछा, क्या पूछा? ऋषिर दर्शनात्। ये लोग छोटे से वाक्य में बड़ी बात कह देते हैं। क्या बोले? जिसे दर्शन होता है। अरे बोलो, जिसे दर्शन होता है उसका नाम क्या है? ऋषि। आप कहेंगे अजी दर्शन तो हमें भी होता है। अरे ये वाला आंखों वाला नहीं, ये तो कुत्ते को भी होता है, बिल्ली को भी होता है, तो क्या वे ऋषि हो गए? तो क्या ये दर्शन अनुमान लगाने पे होता है? बोले ना 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 ना, ना ये भी नहीं। तो क्या किसी भद्र पुरुष के बताने पर होता है जो इसे शब्द प्रमाण का विषय कह ले? बोले ये भी नहीं। बोले ये कैसे होता है? समय में ज्यादा नहीं देख रहा, पढ़ लेना निरुक्तकार को, स्वयंभू अभ्यानर्षत आदि शब्दों के व्याख्यान में। अब तो मैं ऋषि दयानंद की एक पंक्ति उद्धृत करता हूं। वे लिखते हैं, जब जब जिस जिस ऋषि ने जिस जिस मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा से समाधि लगाई, तब तब उस मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा से बैठे हुए समाधिस्थ योगी को परमात्मा ने शब्द के अर्थ का ज्ञान कराया। अरे समाधि में बैठने पर जिसे दर्शन होता है, बोलो उसका नाम क्या है? समाधि। लेकिन हम ऋषि नहीं है तो कम से कम ऋषियों से पूछ करके तो अर्थ किया करें। और ऋषियों ने पूछ करके, भगवान से पूछ करके अर्थ जनाया। क्या उसके हर मंत्र के ऊपर देवता लिख दिया? ब्रह्मा जी हमारे पधार गए, बस मैं 5 मिनट लेकर के उपसंहार कर रहा हूं। एक मंत्र को जब मैं शुरू कर चुका हूं, उसको 5 मिनट में अपनी बात कहकर के विराम करूंगा। हम लोग एक मंत्र पकड़ते हैं, शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर। अरे बोलो क्या अर्थ है इसका? 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो, ये अर्थ है या नहीं? अरे लंबा हाथ करो हां वाले। अच्छा 900 कहां से लाओगे? अरे 100 रुपए कमाए और 1000 दे दिए हां, तो 900 कहां से लाओगे? चोरी करोगे? क्या ये असंभव बातें भगवान की हो सकती है? अरे बोलो हो सकती है क्या? नहीं। इससे अब क्या निकला? इससे निकला जो अर्थ प्रचलित है वो गलत है। आओ चलो, ऋषियों ने समाधि में बैठे और बोले भगवान इस मंत्र के अर्थ को जनाओ। तब इस मंत्र के सब्जेक्ट को जनाया, देवता को जनाया, विषय को जनाया, तब उस विषय को लिख दिया। बोले इस मंत्र का विषय है भृगु। अरे बोलो क्या है विषय? माने इस मंत्र में जिसके बारे में कहा है। और भृगु का अर्थ करते हुए कहा वनस्पति, फलवान वृक्ष का नाम वनस्पति है। अब मैं अति संक्षेप में कहता हूं, विस्तार में आप कर लेना। भगवान ने एक आदर्श उपस्थित कर दिया। बोले जैसे फलवान वृक्ष जड़ की, जो जड़ है ना, उसके सहस्र तंतु भागों से पृथ्वी से भोजन ग्रहण करता है और 1000 शाखा भागों से
जो फल का वितरण करता है, बोलो ये क्या है? आदर्श। ए मनुष्य, तू फलवान वृक्ष को अपना आदर्श बनाकर अगर एक गुरु से पढ़ा है तो 10 शिष्य तैयार कर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगर तूने एक पुस्तक पढ़ने की योग्यता प्राप्त की है आज, तो आयु को बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, बढ़ाता जा, और एक समय ऐसा ला कि तू 10 पुस्तक पढ़ाने की योग्यता अर्जित कर ले। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोले इसके लिए तू वृद्धि को ले आ, और अगर तू वृद्धि को ले आएगा ना, तो एक गुरु से पढ़ा है तो 10 शिष्य बनाने की योग्यता आएगी, एक पुस्तक पढ़ी है तो 10 पुस्तक पढ़ा सकेगा। ये इस मंत्र के देवता को हर मनुष्य नहीं जान सकता, इसे जान सकता है ऋषि, और ऋषि ने जान करके बताया भगवान ने इस मंत्र के माध्यम से हमारे सामने एक आदर्श दिया है, और वो क्या है? फलवान वृक्ष। बस ऐसे ही हम भी अपने आदर्शों को बनाए। देखो दयानंद कितने गुरु से पढ़े, अरे विरजानंद जी से पढ़े कि नहीं? अच्छा शिष्य कितने बनाए? और पता नहीं देखो कितने बना दिए। बस ऐसे ही हमें करना है। ये आदर्श हमें वेद से मिलेगा। आर्यों, मैं कहता हूं आपके शब्द चाहे सीमित हो, परंतु जब समाधि में ऋषि बैठ गए तो उनके मुख से एक वाक्य समाधि से उठे, खिलखिला के हंसे और बोले दुनिया के लोगों, भगवान ने शब्द राशि तो एक सीमा में सीमित की है, पर इसके अंदर भरा हुआ जो ज्ञान राशि है अनंतावई वेदहा, वो ज्ञान तो अनंत है। अरे बोलो ज्ञान तो, आहा आपका सौभाग्य है कि आप भगवान की ज्ञान राशि चार वेद के मंत्रों के मनोहर गान के साथ आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। आओ अब ब्रह्मा जी के निर्देशन में हम अपने यज्ञ को गति प्रदान करें। ओम शम।